वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के वन परिक्षेत्र बिहारपुर हसदो नर्सरी में उन्नत किस्म के आयुर्वेदिक पौधों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान लाल चंदन के 500 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नवीन जिला एमसीबी के बिहारपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हसदो नर्सरी में इन दिनों आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कई प्रकार के फूल पौधों को विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहारपुर नर्सरी में आयुर्वेदिक पौधों की भी तैयारी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जारी है, जिसमें सतावर, अश्वगंधा, सर्पगंधा, हर्रा बहेरा, आंवला, करंज, बेल जैसे आयुर्वेदिक पौधे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है वन परिक्षेत्र अधिकारी का। तो पहली प्रेरणा ये है कि वृक्ष संपदा योजना में जो सर्वे किया गया उसमें जो आम जनता की मांग है जिस इस प्रजाति की, तो उसमें कुछ एक प्रजातियां हमको लगी कि ये हमारे पास नहीं है और परंपरागत रूप से ये वन विभाग द्वारा तैयार नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि आम जनता की मांग है इसलिए उन पौधों को हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी व्यक्तिगत रुचि भी रही है, मैंने वन औषधि और मतलब आयुर्वेद का काफ़ी अध्ययन किया है, जिसके कारण मैं काफ़ी वन औषधि पौधों का कलम ला के कुछ को बीज के माध्यम से उसको तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जनता की मांग पूरी हो सके और लोगों को वन औषधि के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो सके, हरियाली भी बन सके। सर, उच्च अधिकारियों का भी कुछ सहयोग है इसमें? अवश्य, उच्च अधिकारी बिल्कुल कहते हैं कि आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपको संसाधन चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए वो आप मांग करें और पैसे की इस मामले में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी, आपको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, आप मांग कीजिए, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी जी। ये सही है कि कई प्रजाति के ऐसे पौधे होते हैं जिनके लिए एक निश्चित एटमॉस्फेयर या पर्यावरण चाहिए होता है, हर पौधे हर पर्यावरण में तैयार नहीं हो सकते, तो कुछ पौधों के लिए उनके अनुकूल पर्यावरण तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो पौधे तैयार होते हैं। और अब इस दिशा में हम समर्थ हो चुके हैं, क्योंकि अब इस हसदो नर्सरी को हाईटेक नर्सरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ के अत्याधुनिक संसाधन लगाए गए हैं और हम ठंडी में गर्मी का, गर्मी में ठंडी का या बरसात का, किसी भी मौसम में किसी भी प्रजाति के पौधे उसके अनुकूल वातावरण तैयार करके उत्पन्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बजरंग दल को बैन करने के बयान को लेकर भगवा हिंदू रक्षक दल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा कि यदि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन करेंगे, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ समेत जिला एमसीबी के चिरविरी हल्दीबाड़ी यातायात चौक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया है। ये जो कांग्रेस पार्टी है इनके बारे में एक चीज कहना चाहते हैं कि धर्म को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। अभी चार राज्यों में चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में ये कहा है कि यदि हमारी सरकार आती है तो बजरंग दल को हम बैन करेंगे। सीधा शब्दों में कहा जाता है कि यदि सनातन धर्म और हिंदुत्व के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात पहुंचता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हमारा संगठन है हिंदू भगवा रक्षक दल, वो पूरा बजरंग दल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से बेतुका बयान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया गया है, उसी के विरोध में आज उनका पुतला दहन किया गया है और ये पुतला दहन सफल रहा है। राजनीति करनी है तो राजनीति करें, कांग्रेस को करनी है, भाजपा को करनी है, जिनको जहां राजनीति करनी करने दो, लेकिन यदि हिंदुत्व के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाएंगे, धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आघात पहुंचाएंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और आज ही नहीं पूरे भारत देश में इसका विरोध हो रहा है। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ विधानसभा बड़ी सादड़ी में एक दुल्हन पर लूट का आरोप लगा है। बताया गया कि लुटेरी दुल्हन घर से 17 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित 2 लाख नकद लेकर फरार हुई। मंगलवार में 21 जुलाई 2022 को युवक कुशल और युवती पूजा दोनों ने चित्तौड़गढ़ नवीन न्यायालय परिसर में राज राजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को गले में माला पहनाकर विवाह किया। उसके बाद 8-10 महीने बाद विवाहिता युवती ने अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगी और 17 अप्रैल 2023 को सुबह घर से फरार हो गई। आस पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर जब कोई पता नहीं चला, फिर अगले दिन 18 मार्च 2023 को चित्तौड़गढ़ एसपी ऑफिस में मामला दर्ज कराया गया।
बाद में पता चला कि युवक की पत्नी किसी और व्यक्ति से शादी कर ली है। पति का आरोप है कि इस साजिश में कोई एक बाबा है जो तंत्र मंत्र कर महिलाएं और लड़कियों को बहला फुसका कर उनकी शादी को तुड़वाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करवाने का काम करता है। उसने बताया कि आलमारी से सोना चांदी के जेवरात सहित कुछ नकदी भी लेकर फरार हुई है। वो मेरी पत्नी पूजा अहिर जो दिनांक 17/4/2023 को मेरे घर से जेवरात में नकदी लेकर फरार हो गई, जिसमें 17 तोला सोना और 1 किलो चांदी और 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गई, जिसमें मैंने 18/4/2023 को पुलिस में मामला दर्ज कराए हैं, परंतु उसमें कोई बरामदी व कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 10 माह की मासूम की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने बताया कि पौत्र की चाह में दादी ने 10 माह के मासूम की हत्या कर दी। 7 माह पूर्व निकुंभ थाना क्षेत्र के आलाखेड़ी गांव के मकान की छत पर पानी की टंकी में 10 माह की बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस ने आज इस जघन्य हत्याकांड से पर्दा उठा दिया और मासूम बच्ची की दादी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पोते की चाह में मासूम पोती का गला घोट दिया और लाश अपने ही घर के टंकी में डाल आई। साक्ष्य मिटाने में मदद करने पर उसके भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ अंतर्गत तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनके कब्जे से 243 किलो डोडा चूरा, कार, पिस्टल व खाली कारतूस जब्त कर 2 को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पुलिस और तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। कार में करीब 3.25 क्विंटल डोडा चूरा पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। दरअसल इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 30 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया और डोडा चूरा की बड़ी खेप के साथ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई। पुलिस थाना बेगू आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट, आर्म एक्ट व पुलिस पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोप लगाया है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कैलोर से सामने आया है, जहां कुछ देर पहले पेड़ों की कटाई कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जनपद बदायूं से ठेकेदार के साथ पेड़ों की कटाई के लिए मजदूरी करने आए एक युवक की इलेक्ट्रॉनिक आरी के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा मामले की गहनता से जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में जीवन दायिनी कहे जाने वाले एम्बुलेंस के ना पहुंचने से एक मासूम बच्ची अपने जान से हाथ धो बैठी। बताया गया कि मौत से जूझ रही मासूम बच्ची का बाबा यानी दादा अपनी पोती के जान की सलामती के लिए बार बार 108 एम्बुलेंस का नंबर मिलाता रहा। इस दौरान अधिकारियों से भी बात होती रही, मगर 2 घंटे बाद भी 108 और 102 नहीं पहुंची, लिहाजा मासूम की जान चली गई। बताया गया कि मासूम बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के द्वारा गंभीर अवस्था देखकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, किंतु 2 से 3 घंटे तक बात होने के बाद भी जब जीवन दायिनी नहीं पहुंची तो मासूम को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान यह भी पता चला कि जीवन दायिनी अस्पताल में ही मौजूद रही। बच्चे के बाबा ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस अधिकारियों के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। नातिन थी जी, उसको बुखार आ रहा था जी। एम्बुलेंस का हमसे बोला एम्बुलेंस को 108 पर कॉल करो जी। कॉल किया एम्बुलेंस, 2 घंटे रुकी एम्बुलेंस, कोई भी एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, फिर आ रही थी एक उरई से, तो मैंने मना कर दिया कि आप आओगे वहाँ से, मरीज ज़्यादा सीरियस है, हमने बार बार बताया 108 पर, तो हमने बताया कि सीरियस ज़्यादा मरीज है, जितनी जल्दी व्यवस्था हो। जबकि एक मानवगढ़ एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अच्छा, तो वो जब हम कॉल कर रहे थे 108 पर तो वो हमारे सामने ही निकल। अच्छा, तो मेरे मरीज को ना लेके, यानी एम्बुलेंस होते भी हुए भी हाँ, ठीक है, बच्चे को लेके नहीं गई। नहीं, एक 102 भी खड़ी थी। अच्छा, 102 भी खड़ी थी, 108 निकल गई, फिर 102 करीबन 1 घंटे खड़ी रही। यानी अगर एम्बुलेंस ले जाती समय पे तो बच्चा बच सकता था। इसने ये कुठौन से फिर आई, कुठौन मेरी बात हुई तो कुठौन से आधी दूर तक निकल ले आई थी एम्बुलेंस, तब तक मेरा मरीज। नमस्कार, इस वक्त जनपद जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र यानी माधोगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार कर रही है। जी हाँ, जीवनदायी एम्बुलेंस सेवा यानी 102 और 108 जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की भलाई के लिए चलाया, लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए चला, यानी मुसीबत के संकट में की घड़ी में लोगों तक पहुंचने और उनको उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस एम्बुलेंस सेवा के लिए इस्तेमाल के लिए रखा गया। लेकिन
इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है उसको निश्चित तौर पर मानवता और जो है इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल पूरे प्रकरण में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधोगढ़ से सामने आया, यानी रामहेतपुरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति अपनी नातिन को यानी 1.5 साल की मुश्किल से वो मासूम बची रही होगी जिसको लेकर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया था। हालांकि उसको बुखार बहुत तेज था, डॉक्टरों ने रिफर किया, उसके बाद वो एम्बुलेंस सेवा को लगातार फोन लगाता रहा। फोन लगाते लगाते लगभग 2 घंटे बीते लेकिन एम्बुलेंस सेवा जिसको जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा कहा जाता है वो एम्बुलेंस सेवा मौके पर नहीं पहुंची। एम्बुलेंस सेवा के अभाव में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक प्रकरण कुछ दिन पहले भी सामने आया था जब एम्बुलेंस सेवा समय पर न पहुंचने पर हाथ ठेला पर एक महिला, बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे एक व्यक्ति को ठेलिया पर बिठा के ढकेलते हुए आए थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आखिर कमी कहाँ है? सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने और सब कुछ सही व्यवस्थाएं अपडेट करने के बाद भी आखिर कमी रह गई तो कहाँ रह गई? किसकी लापरवाही से एक मासूम बच्ची की जान चली? लापरवाही स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से या एम्बुलेंस सेवा की जो सेवा प्रदाता संस्था है उसकी वजह से? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब आने अभी बाकी। जालौन के कुठोत थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का नग्नावस्था में शव बरामद किया गया। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिस युवक का शव बरामद किया गया उसके खिलाफ सिरसा कलार थाने में एक लड़की को बहला फुसला कर भगाने में सहयोग करने के आरोप का मुकदमा दर्ज है। जिस जगह से शव बरामद किया गया उसके पास ही एक बैग भी पुलिस ने बरामद किया है जिसमें एक पॉइजन की शीशी भी मिली है, लेकिन नग्नावस्था में शव मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा इस बात को पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसकी मौत कैसे हुई और कैसे ये युवक अपने घर से इतनी दूर आया और इसके साथ क्या क्या हुआ। जी संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के कुठोन थाना क्षेत्र के मदारीपुर के पास से सामने आ रहा है, जहाँ एक ट्यूबवेल के किनारे एक युवक की लाश मिली है। उसका शव बरामद किया गया, शव नग्नावस्था में है और उसके पास से पुलिस को एक बैग भी बरामद हुआ है। इस बैग में कुछ कपड़े या कुछ और जरूरी सामान है। इस संबंध में और जो अपडेट है उसके मुताबिक ये सिकरी गांव का रहने वाला है, सिकरी चुरखी थाने में क्षेत्र में पड़ता है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये युवक वहाँ पर पहुँचा कैसे और नग्नावस्था में इसकी लाश कैसे बरामद हुई। हालांकि इस पर पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और क्षेत्राधिकारी जालौन ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। और इस संबंध में और एक बात सामने आई है कि वो ये है कि ये जिसकी जो जिसका शव बरामद किया गया है उसके खिलाफ जो है सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक लड़की को भगा ले जाने का उस पर आरोप था और उसका मुकदमा भी दर्ज था। लेकिन अब पुलिस ये जांच का विषय है कि आखिर ये लड़का वहाँ कैसे पहुँचा, किन हालातों में पहुँचा, उसके साथ क्या हुआ, ये सारे ये अब चूँकि पुलिस जाँच का विषय बना हुआ है। फिलहाल लड़के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश आगरा में देर शाम सातिर अपराधी लवकुश श्रीवास्तव को बाह पुलिस ने जिला बदलकर आगरा जिला की सीमा से बाहर छोड़ दिया। गुंडा लवकुश श्रीवास्तव बाह के अशोक नगर का निवासी है। उस पर घर में घुसकर हमला, पुलिस अभिरक्षा में अपराधी बनाने की कोशिश, SC ST एक्ट, सट्टा, जुआ, मारपीट आदि में धाराओं में करीब दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज है। छत्तीसगढ़ के MCB जिला अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का शुभारंभ किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित रहे। इस न्यायालय के खुलने से दूर दराज के लोगों को अपने ही क्षेत्र में न्याय का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग अधिवक्ता संघ द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी जिसे देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई। MCB जिले के चिरमिरी में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का शुभारंभ माननीय न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के द्वारा रिबन काटकर किया गया जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश ध्रुव द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कहते हुए समुचित जनों को बधाई दी गई एवं न्याय प्रणाली को भी लेकर मौजूदा अधिवक्ता एवं अतिथियों व पत्रकारों के समक्ष बातें रखी गई। इससे चिरमिरी तहसील और खड़गवा तहसील के 3 लाख आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। अभी यहाँ के लोगों को मामले के लिए महेंद्रा जाना पड़ता था जो कि काफ़ी खर्चीला था, लोगों को सरल, सुगम और सहज न्याय नहीं प्राप्त हो पाता था। चिरमिरी में न्यायालय खुलने से आसपास के सारे मामलों की सुनवाई अब चिरमिरी में होगी और यहाँ के जो लोग हैं गरीब पक्षकार हैं उनको लाभ होगा। चिरमिरी क्षेत्र के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश के
उद्घाटन पे और नियुक्ति पर इस क्षेत्र के आम जनता को जो दूर तक मरेंद्रगढ़ जाना पड़ता था वो अब जाना नहीं पड़ेगा। उन्हें उनके क्षेत्र में न्यायालय खुलने से उनको शीघ्र और त्वरित न्याय मिलेगा, जिससे उनका धन और समय दोनों की बचत होगी और शीघ्र न्याय मिलेगा, ऐसा मेरी सोच है।